राज्य के वन सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हाथों मोहल्ली गेट के सौंदर्यीकरण करने के संबंध में भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर पालक मंत्री ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस खबर में। चौदह अगस्त को ताड़ोबा आधारित व्याघ्र प्रकल्प के अंतर्गत आने वाले मोरली निसर्ग पर्यटन गेट के सुशोभीकरण का भूमि पूजन राज्य के वन सांस्कृतिक कार्य तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हाथों किया गया। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष संध्याताई गुंडले के साथ वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही भाजपा के पदाधिकारी के साथ वन विभाग के अन्य अधिकारी, भाजपा के कार्यकर्ता एवं परिसर के नागरिक मौजूद थे। सर्वप्रथम मानवों के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया। वही इस मौके पर पालक मंत्री की मौजूदगी में वहाँ पर मौजूद नागरिकों के हाथों कुदाल मारकर भूमि पूजन किया गया और रिमोट द्वारा पालक मंत्री के हाथों भूमि पूजन के कुंज शिला का अनावरण किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पालक मंत्री के पहुंचने पर वन विभाग की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने इसके संबंध में जानकारी दी। धरनदा 7,42,00,000 रुपए खर्च कर गेट्स काम पूर्ण होणार आहे, बांधकाम पूर्ण होणार आहे। आपण यासाठी इको टुरिझमच्या माध्यमातून आणि वन विभागाच्या माध्यमातून हे काम हाती घेतलं। लाखो पर्यटक, साधारणतः 3 लक्षापेक्षा जास्त पर्यटक हे या ठिकाणी ताडोब्याच्या दर्शनाला येतात, वाघाच्या दर्शनाला येतात, ताडोबाचं जंगल पाहायला जातं। आज आपल्या देशामध्ये जेवढे टायगर प्रोजेक्ट आहे त्यापैकी 6 टायगर प्रोजेक्टला उत्तमातले उत्तम प्रोजेक्ट म्हणून मानांकन मिळालं आणि या 6 पैकी महाराष्ट्राचे 3 प्रोजेक्ट आहे। वन विभागाचे अधिकारी असतील, कर्मचारी असतील, वनरक्षक असतील, वनसेवक असतील आणि वनाशी संबंधित गावकरी असतील यांनी आपल्या वनाचा दर्जा उत्तम ठेवण्याचं काम केलं। पर्यटकांचं स्वागत ते उत्तम करतात। या मोहर्रीमध्ये सुद्धा मोहर्रीचे सरपंच, उपसरपंच किंवा इतर सर्व पर्यावरणप्रेमी जे लोक आहेत ते या जंगलाच्या संवर्धन संरक्षणासाठी काम करतात। अनेक दिवसाची या विभागाची मागणी होती की मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक देश विदेशात येतात। आता भारतरत्न सचिन तेंडुलकर सारखे राष्ट्र गौरव असणारे लोकसुद्धा येतात, तर इथे एक उत्तम रिसेप्शन सेंटर असलं पाहिजे, माहिती केंद्र असलं पाहिजे, एखादं छोटं थिएटर असलं पाहिजे ज्या थिएटरच्या माध्यमातून माहिती मिळेल, काही पुस्तकं उपलब्ध झाली पाहिजे, QR कोड असले पाहिजे, वन्य प्राण्यांची माहिती सहज उपलब्ध होईल अशी या केंद्रामध्ये सोय असावी, गाड्यांच्या योग्य पद्धतीने पार्किंगची सोय असावी, एखादं छोटंसं अल्पोपहार देणारं केंद्र असावं, असं सर्व करून आता आपण या केंद्राचं भूमिपूजन केलं आहे। या वर्षभराच्या आधी भूमिपूजन केलेलं केंद्र पुढच्या वर्षात याचं उद्घाटन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव गारकर की रिपोर्ट।